हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट पोस्टें निकली हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, उसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, वो जो पूरी प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, जो भी मैं आपको इसमें स्टेप्स बताऊंगा उसको आप प्रॉपरली जान सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे हम फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन। ये सेम प्रोसेस अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। सो जो वेबसाइट है वो है government.thapar.edu। यहाँ पर जाएंगे, सेकंड लिंक के इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है, लॉगिन करेंगे, फीस के लिए यहाँ पर लिंक बनाएं, यहाँ लिंक पे क्लिक करके आप फीस वगैरह पे कर सकते हैं। और जो फीस का मोड है ऑनलाइन है, फिलहाल हमने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, तो यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है इनकी 31st से, टुडे इज फर्स्ट, तो हम यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका फॉर्म है, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हमने अप्लाई नाउ किया, होम पर आप जो वेबसाइट का होम पेज उस पर जा सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर आपने क्या फिल करना है। सबसे पहले आपने पोस्ट चूज करनी है, इनमें से कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं चूज कर दीजिए। उसके बाद आपका नाम आएगा, उसके बाद फादर्स नेम आएगा, उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम आएगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। ये जो सारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम है, इसको प्रॉपरली चूज करिएगा, इसमें गलती मत करिएगा, बिकॉज करेक्शन वगैरह तो अभी कुछ नहीं है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, कोई भी गलती है उसको प्रॉपरली देखें, देन उसके अकॉर्डिंग आप सारी जो प्रोसेस है वो करें। तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ से बाकी जो डिटेल्स है आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम देख लेते हैं, सो काफ़ी पुराने ईयर्स तक ले गए हैं ये, तो यहाँ पर चलिए डेट ऑफ बर्थ आ गई। कौन सा आपका मंथ है उसको चूज़ करेंगे और कौन सा आपका डेट है उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका जेंडर आएगा, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप एंटर करेंगे। आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है, नॉन इंडियन है, वो चूज़ करेंगे। पंजाब के डोमिसाइल हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। कैटेगरी देखिए, कैटेगरी में गलती मत करिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस होगी। स्पोर्ट्स पर्सन आपकी कैटेगरी है या आप नहीं है वो चूज़ कर लीजिए। फिजिकल हैंडीकैप आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो नोट एप्लीकेबल कर दीजिए। फ्रीडम फाइटर हैं तो ठीक है, नो कर दीजिए। एक्स सर्विस मैन हैं तो ठीक है, नोट एप्लीकेबल कर दीजिए। एक्स सर्विस मैन एज ए हैं तो ठीक है, नहीं तो नन कर दीजिए। अगर है तो एक्सपीरियंस वगैरह दे दीजिए। उसके बाद आपका एड्रेस आएगा, आपकी सिटी आएगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट आएगी। सो ये जो डिटेल है सारी प्रॉपरली फिल करिएगा। आपकी स्टेट आएगी और उसके बाद आपका पिन कोड आएगा। सो ये हमने डिटेल्स फिल कर दी। उसके बाद परमानेंट अगर आपका सेम है तो आप सेम भी इसमें फिल कर दीजिए। वैसे एक चेकबॉक्स होता है, चेकबॉक्स से आपका आ जाएगा, लेकिन इसमें चेकबॉक्स है नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हम फिर से एड्रेस फिल कर देते हैं। स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टेट आपकी आ गई, पिन कोड आ गया, मोबाइल नंबर प्रॉपरली यूज़ करिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है फॉर्म को फिल करने में तो मैंने जो फ़ोन नंबर दिया इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके आप डिटेल वगैरह ले सकते हैं कोई भी। और फॉर्म में कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक हो गई है तो भी आप ठीक करवा सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं मेरे थ्रू तो भी आप सेम नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदर डिटेल में पंजाबी पास्ट है, नहीं है मैट्रिक लेवल पर, उसको यस नो कर दीजिए। अगर है तो यस कर दीजिए, अदर नो कर दीजिए। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे, सबसे पहले 10th करेंगे। बोर्ड कौन सा है, CBSE या PSC भी आदर्श है जो उसको कर दीजिए। ईयर ऑफ कम्प्लीशन, देखिए ईयर ऑफ कम्प्लीशन पूछ रहा है तो कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया था उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ईयर चूज कर लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स कितने में से मार्क्स थे, 500 में से कितने, 450 ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप 12 चूज करेंगे। बोर्ड कौन सा था वो चूज करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा था वो आप चूज करेंगे। उसके बाद कितने आपके मार्क्स थे, मतलब कितने में से मार्क्स थे और आपके कितने मार्क्स आए, उसको ऐड कर दीजिए। ऐसे आप मल्टीपल मार्क्स ऐड कर देंगे जितने आपके होंगे। तो लास्ट हम ग्रेजुएशन के ऐड कर देते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पर होगी। उसके बाद डिग्री नेम क्या था, BCA था। बोर्ड कौन सा था, PUCHD था। ईयर ऑफ कम्प्लीशन कौन सा था वो आप चूज़ कर देंगे। तो उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो 2400 में से होते हैं कितने मार्क्स आए थे, 1800, तो उसको भी आप ऐड कर दीजिए। देन सॉन्ग सारे ऐड कर देंगे। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो नन कर दीजिए।
उसके बाद यहाँ चेक बॉक्सेस को देख लीजिए, टिक मार्क कर दीजिए और ये सारी डिटेल्स को एक बार प्रॉपरली चेक कर लीजिए। ये जो हमने फिल की है तो सारी डिटेल्स को आप एक बार चेक कर लीजिए, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग है। स्पेशली कैटेगरी, कैटेगरी की जो गलती बहुत कैंडिडेट्स करते हैं, फीस आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी। एससी एसटी की अलग होगी फिजिकल हैंडीकैप, और बीसी देन ये जो हमारी जनरल कैटेगरी इसकी अलग होगी। सारी डिटेल चेक करके आपसे यहाँ पर मांगेंगे सबमिट फॉर्म। तो जो मिस्टेक हो गई है यहाँ पर आप देख लीजिए, पंजाबी अप टू मैट्रिक लेवल यहाँ पर हमने नो किया, तो फिर से एक बार करते हैं। प्लीज सेलेक्ट आइटम, तो यहाँ पर देखिए पंजाबी नो आएगा, तो हमने वहाँ किया नहीं था, इसमें भी नो आएगा, इसमें भी नो आएगा, तो उसको हम सबमिट कर देते हैं। तो आफ्टर सबमिशन आपका ये देखिए लॉगिन आईडी और जो आपका पासवर्ड है जनरेट हो गया है, तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नाउ अब पढ़ते हैं। डियर अरुण, थैंक्स फॉर मेकिंग एप्लीकेशन एंट्री फॉर द पोस्ट ऑफ ECS, प्लीज नोट द फॉलोइंग डिटेल्स सेस योर एप्लीकेशन। तो हम अब इसको लॉगिन करके देखते हैं, यहाँ से लॉगिन करते हैं और जो आईडी है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दिस वन इज द आईडी, यहाँ पर कॉपी करिए और पेस्ट करिए। उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड में यहाँ से कॉपी करते हैं, इस पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से आप सेव कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर कोई भी हमारी डिटेल शो नहीं हुई, ना ही कोई एरर शो हुआ, तो हम होम पर जाते हैं और यहाँ पर आपका देखिए SBI लिंक एस पर जाएंगे आप, तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो ये आपका फीस के लिए है, देख लेते हैं फीस के लिए। सिलेक्ट आपका मोड कौन सा है, PWT फीस है या कौन सी है, हमारी फर्स्ट वन वाला कैटेगरी है। इसमें लॉगिन आईडी आप भर देंगे अपनी, लॉगिन आईडी आपकी दिस वन है, इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और डेट ऑफ बर्थ जो आपने चूज की थी वो आपको फिल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं याद तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं, ऐसे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप यहां से सबमिट कर देंगे, अगर आपकी डिटेल ओके हुई तो वहां पर नेक्स्ट आपका आ जाएगा फीस के लिए। तो देखिए प्लीज वेरीफाई द डाटा एंटर्ड एंड ट्राई अगेन, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ गलत थी। तो ऐसे आप अपनी जो फीस है पे कर सकते हैं, आपका डायरेक्टली लॉगिन नहीं होगा, इसके बाद जो आपका स्टेप होगा फीस का होगा। एक बार फिर से मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ कि एक बार लॉगिन में प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, बिकॉज उसके बाद आपका डायरेक्टली जो फीस है वो पे अपनी पे होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, उसके बाद ये पासवर्ड हम कॉपी कर लेते हैं, दिस वन इज द पासवर्ड। तो ये देखिए साइन इन करते हैं, साइन इन हमारा देखिए नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज इसके बाद आपकी फीस होगी। होम पर जाकर आप SBI लिंक पर जाकर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए वो आप करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने देखना आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, DWSSP जो हमने वाटर सप्लाई की पोस्ट में अप्लाई किया है या दूसरी है। जो यहाँ पर आपको मैं एक बार बता देता हूँ, जो सेकंड जो लिंक है कौन सा है, यहाँ पर हम इसका डुप्लीकेट लिंक ओपन कर लेते हैं। ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आपके लिए जानना जरूरी है। तो फर्स्ट वन WPWB यानी कि पंजाब वाकफ बोर्ड का, ये जो सेकेंड लिंक है यहाँ पर आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं। लेकिन हमने फर्स्ट वाला अप्लाई किया, तो फर्स्ट वाला, उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड। तो फ्रेंड्स ये आप कर सकते हैं। और यहां पर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप लॉगिन पे करते हैं तो अगर आपको अपना पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो आप यहां से नहीं कर सकते रिकवर। यहां पर कॉन्टैक्ट है, ये देखिए कॉन्टैक्ट लिंक भी अभी डिसेबल है, तो ये देखिए कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका जो फोन है उस पर वैसे चल ही जाता है आपको, जो आपका यहां पर डिटेल आपने फिल किया है। अदरवाइज जो मैंने आपको प्रोसेस बताया सेम है, उसको करके देखिए। ऐसे आप ऑनलाइन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका फीस होगा, फीस होने के बाद जब आपकी फीस कंफर्म हो जाएगी, फिलहाल फीस नियर अबाउट साथ के साथ ही कंफर्म हो जाती है बिकॉज ऑनलाइन मोड है, और उसके बाद आपका बाकी जो फॉर्म है वो आपका इनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद आप बाकी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, जैसे फोटो वगैरह अपलोड अभी नहीं हुई उसमें, तो आप उसके बाद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को करके देखिए, किसी भी तरह की और कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसका सलूशन ले सकते हैं। और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो डैट इन फ्यूचर जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी उसका जो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल।